गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत फेमस कविता है। बहुत सारे बच्चों को ये कविता मालूम भी होगा, क्योंकि ये कविता ऐसी कविता है जो हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। और ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कविता बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, ठीक है। ये बहादुरी, ये हम लोगों को बहादुर बनने का, स्वाभिमान की रक्षा करने का प्रेरणा देती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए कि आज हम लोग झांसी की रानी कविता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये झांसी की रानी जो कविता है बेटा, ये उस समय कविता इस कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में पहली बार एक ऐसी स्वतंत्रता के लिए पहली बार एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें कि भारत के सभी राजाओं ने मिलकर एकजुट होकर शामिल हुए थे। इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें क्या है कि हर क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह अलग अलग होकर लड़ाई करते थे, एकजुटता नहीं थी। इससे क्या था कि वो लड़ाई हार जाते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1857 ईस्वी यानी 1857 में जो लड़ाई हुई थी, वो सारे भारतवासियों ने मिलकर एकजुटता से लड़ाई की थी। इससे कहीं ना कहीं किसी हद तक अंग्रेज़ों के मन में डर बैठ गया था कि अब भारत में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। ये झांसी की रानी जो थी वो भी उसी समय 1857 के विद्रोह के समय ही उन्होंने भी अपने राज्य की तरफ से विद्रोह किया था, क्योंकि अपने राज्य को वो अंग्रेजों में मिलने देना नहीं चाहती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लो कोई राजा राय रानी ऐसे हैं जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो अंग्रेजों ने एक हड़प नीति बनाई थी, उसके अंतर्गत क्या करते थे कि उस राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेते थे। तो झांसी की रानी जो थी उनके भी कोई अपना पुत्र नहीं था, तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लो। झांसी की रानी जो थी उनके पति पहले ही लड़ाई में मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने जब अंग्रेजों ने उनका राज्य हड़पने की कोशिश की, तो वो अपने बेटे को पीठ पर बांध कर खुद ही लड़ाई के मैदान में लड़ाई करने के लिए कूद पड़ी थी। वो एक 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 सच्ची देशभक्त साहसी वीर वीरांगना थी, ठीक है, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अच्छी तरह जानती थी, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सन 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। याद रखना, हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। तो मैंने बताया ना अभी आपको कि इस लड़ाई को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह पहला मौका था जब भारतीय जो थे अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ाई किए थे, ठीक है। उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और इस घटना के क्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में, मतलब सबके सेंटर में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्हीं को लेकर वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़ी काव्य रचना के कुछ अंश यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। ये जो कविता है वो सिर्फ कुछ अंश है ना, ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंश प्रस्तुत किया गया है। इस कविता को लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। याद, सुभद्रा कुमारी चौहान की जितनी भी कविताएं होती है ना, सभी देशभक्ति की कविताएं होती है, ठीक है। जिस तरह सुमित्रा नंदन पंत का आपने पढ़ा, वो प्रकृति पर आधारित कवि हैं, यानी हैं, तो इसी तरह ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो हमेशा देशभक्ति की कविताएं लिखती है। और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति, इसलिए उनके ऊपर भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बुरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। देखो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बुरे भारत में फिर से नई जवानी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, ठीक है। अभी क्या करोगे कि पहले इस जो पैराग्राफ में जो भी वर्ड मिलेंगे वो बता देती हूँ, तो आपको क्या होगा कि पढ़ने में आसानी होगा। राजवंश मतलब होता है राजाओं के वंशज या राजा। गुम हुई मतलब खोई हुई आज़ादी। फिरंगी मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है। तो अब देखो, तो इस कविता का मूलभाव क्या हुआ, इस पंक्ति का मूलभाव क्या हुआ,
कि राज सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगु तानी थी। मतलब जितने भी देश के राजा थे सबके सिंहासन हिल उठे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने करने के लिए राजवंशी लोगों ने डट कर अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए ठान लिया था। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। बहुत दिन से गुलाम रहने के बाद गुलाम रहने की वजह से भारत को क्या नाम से संबोधित किया गया है? बूढ़े भारत से संबोधित किया गया है, ठीक है। आई फिर से नई जवानी थी, मतलब कि अब क्या हो कि जो बूढ़ी हो गई थी उसमें नई जवानी आने वाली थी। क्यों? क्योंकि सबके मन में गुलामी को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने का की इच्छा जग चुकी थी, ठीक है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जिस आज़ादी की कीमत वे लोग खो चुके थे, नहीं पहचानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को गुलाम में रहने की आदत हो चुकी थी। उन्होंने वापस ही उसकी कीमत पहचानी थी कि आज़ादी की कीमत कितनी, आज़ादी की क्या कीमत है, कि सभी लोगों ने जान लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी मतलब, फिरंगी मतलब हो गया अंग्रेजों। सभी राजाओं ने आपस में ये तय कर लिया था कि अब हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल कर रहेंगे, उन्हें अब अपने देश में नहीं रहने देंगे, ठीक है। देखो मैं फिर से बोलती हूँ, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, मतलब सब राज भारत के जितने भी राजा थे सबके सिंहासन हिल उठे थे, क्योंकि सबने अब एकजुट होकर अंग्रेजों से मुकाबला करने का ठान लिया था, ठीक है। बूढ़े भारत में जो कि गुलाम रहते रहते भारत जर्जर अवस्था में आ चुका था, वो उस भारत में क्या है कि नई जवानी आने वाली थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस आज़ादी, जो आज़ादी हम लोग की आज़ादी खो चुकी थी, जिसकी कीमत तो हम लोग खो चुके थे, तो उसकी कीमत तो सबने फिर से पहचानी थी। और क्या हो गई थी? अंग्रेजों को अपने देश से दूर भगाने की सबने क्या किया, सबने क्या किया था, ठान लिया था कि अब हम लोग अंग्रेजों को अपने देश में नहीं रहने देंगे, ठीक है। देश में नहीं रहने देंगे, ठीक है बेटा। अभी हम लोग अब सेकेंड पैरा पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड पैरा का मैं पहले रीडिंग करती हूँ, फिर आपको अर्थ बताती हूँ। चमक उठी सनसन तावन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो चमक उठी सनसन तावन में, अब इस पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहना चाह रही है कि ये लक्ष्मीबाई के बारे में क्या है इसमें बताया गया है, ठीक है। कि ऐसा सुना जा, ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, कानपुर के नाना साहब की लक्ष्मीबाई थी। क्या थी? नाना के लक्ष्मीबाई की, नाना साहब की इकलौती बेटी थी, नाना साहब की इकलौती बेटी थी। और क्या बचपन से ही क्या हुआ था कि वो बचपन से ही क्या था, वो नाना साहब मतलब नाना साहब के साथ पढ़ी लिखी थी। और लक्ष्मीबाई को क्या था कि बचपन से ही, बचपन से जैसे कि लड़कियां गुड़िया से खेलती है, उसे इन सब का शौक़ नहीं था। उसे क्या का शौक़ था? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार, हथियार, यही सब उन्हें बहुत ही प्रिय थे। उनकी रुचि किस में थी? वीरता की कहानी पढ़ने, ठीक है, और क्या सुनने में थी, ठीक है। उन्हें वीर शिवाजी की कहानी भी, ऐसा बोला जाता है कि वीर शिवाजी की कहानी भी पूरी तरह याद थी, ठीक है। देखो चमक उठी सनसन तावन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोदरों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा बोला जा रहा है कि सनसन तावन में एक चमक, एक तलवार और चमकी थी, ठीक है। वो कोई नई तलवार नहीं थी, वह पुरानी तलवार थी। हम लोगों ने सबके मुँह से सुना था कि झांसी की रानी थी, बहुत बहादुर थी, ये तलवार उसी झांसी की रानी थी जो कि मर्दाने की तरह लड़ी थी। मतलब कैसे लड़ी थी? वो मर्दाने की तरह लड़ी थी, ठीक है। उसमें क्या था कि वो लड़की, उसमें कोई भी गुण लड़कियों की तरह नहीं थे। कैसे गुण थे? उसमें लड़कों की तरह गुण थे लड़ाई करने के, ठीक है। और वो क्या, किसकी? कानपुर के नाना साहब की मुँहबेली बहन थी। की थी? कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी, जिसे छबीली के, जिसे बचपन में सब क्या इसके नाम से जानते थे, छबीली के नाम से जानते थे, ठीक है। तो बेटी नहीं थी, वो क्या थी? कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी, ठीक है। और छबीली थी। लक्ष्मी नाम,
पिता लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की क्या थी, संतान थी, इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ वह उनके के साथ वो पढ़ती थी, नाना के साथ खेलती थी, ठीक है। और बचपन से उन्हें बर्छी ढाल कृपाण मतलब तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी, है ना। अन्य लड़कियों की तरह जैसे कि गुड्डे गुड़िया पसंद हो, बहुत सारी लड़कियां सहेली होती है, ये सब लक्ष्मीबाई की सहेली नहीं थी। उनकी सहेली कौन थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यही सब उसकी सहेली थी, ठीक है। अभी देखो, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। आपको पता है ना कि वीर शिवाजी कितने महान मराठा थे, साहसी मराठा। सबने मूवी तान्ना जी मूवी तो देखा ही होगा, उसमें शिवाजी को आपने देखा है ना, वो कितने महान थे। तो क्योंकि ये भी मराठा थी, तो शिवाजी की जो जो बहादुरी की कहानी थी उसको मुंह बोल मतलब कि वो पूरा उसको कंठस्थ था, वो तो पूरे अच्छी तरह से जानती थी, ठीक है। बुंदे ले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ाई लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। फिर बोला गया कि हमने सबके बहुत बुंदेल में खंड में रहने वाले सब लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी। क्या सुनी कि जब वो युद्ध के मैदान में गई थी तो एकदम मर्दाना की तरह लड़ाई लड़ी थी, वो कौन थी, तो वो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो कहाँ की रानी थी, जो झांसी की रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आप लोग को हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विवाह की विरुदावली सी वह आई झांसी में, ठीक है। तो अभी अभी जो इस लाइन में आपको पता चल रहा ना कि वो अभी क्या है, बुंदेलखंड के हर बोल जाते, देखो अब बार बार एक कविता में आ रहा ना कि बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी। मतलब बुंदेलखंड में एक हर बोला जाती है, वहीं लोग ये झांसी की रानी की वीर गाथाएं सुनती थी, उन्हीं के मुँह से सब हम उन्हीं के मुँह से कवित्री बोल रही है कि हमने ये कहानी सुनी है, क्योंकि पुरुषों की भांति संघर्ष करने वाली वो झांसी की रानी थी, ठीक है। यहाँ इस पंक्ति में आया ना विरुदावली, विरुदावली मतलब यश गाथा, विरुदावली मतलब यश गाथा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वीरता की वैभव के साथ सगाई साथी में, मतलब लक्ष्मीबाई तो बहुत वीर थी, उनका शादी वहाँ के राजा से के साथ हुई थी, राजा लोग तो बहुत वैभव वाले होते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी में किसके किसके साथ सगाई हुई, वीरता की वैभव के साथ। वीरता के वीर किसको कहा गया है, झांसी की रानी को, और वैभव किसको कहा गया है, झांसी के जो राजा थे उसको कहा गया है, उनको कहा गया है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, जब जब लक्ष्मीबाई की शादी हो गई तो वो क्या हुआ, रानी बनकर झांसी में आ गई, ठीक। राजमहल में क्या हुआ कि खूब सारे ढोल नगाड़े बज रहे थे, देखते हो ना शादी में कैसे खुशी मनाई जाती है, उसी तरह राजमहल में भी खूब सारी खुशियां मनाई जा रही थी, पूरे झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी आई वह झांसी में, ठीक है। मतलब विरुदावली मतलब बता नहीं, यश गाता है ना कि बुंदेलों के जैसा के बुंदेले क्या है, एक जाति का नाम है जो बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, उनके मुँह से हमने सुनी कि झांसी में जो आई थी वो बहुत ही, उसका यश गान किसके द्वारा सुने हैं, बुंदेलखंड के बुंदेल जाति के द्वारा ये हम लोगों ने सुना कि वो उसके बहुत ही यश वाली थी, जो झांसी की रानी बन के आई वो बहुत ही वीर थी, बहादुर थी। कैसी थी, वीर थी और बहादुर थी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, है ना। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। जिस तरह इनके विवाह को देखकर लगा कि चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया,
ऐसा लग रहा था कि चित्रा ने अपने पति के रूप में किसको पा लिया, अर्जुन को पा लिया, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा लग रहा था कि दुर्गा ने शिव को पा लिया हो। लक्ष्मीबाई, जिस तरह लक्ष्मीबाई और राजा का अद्भुत मिलन हुआ था, उस तरह से आप ये सारी बातें कह सकते हो। क्या जिस क्या कह सकते हो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्जुन को चित्रा मिल गई हो, शिव जी से दुर्गा मिल गई हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि दुर्गा ने शिव को पा लिया हो। इसी तरह लक्ष्मीबाई और राजा का अद्भुत मिलन हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलखंड के हरबोला जाति जो वीर गाथाएँ गाते हैं, उनके ही मुँह से हमने सुना कि लक्ष्मीबाई जो थी मर्दानों की तरह लड़ाई लड़ी थी, खूब वीरता के साथ उसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वो कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये एक पैरा क्लियर हो गया सबका, आई थिंक कि सबके सबके समझ में आ गया होगा ये जो मैंने अभी तक सारी लाइनें समझाई है ना। नेक्स्ट अभी आगे बढ़े बेटा, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को, वो भी तो अब जूम लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अभी सेकंड पैरा देखते हैं। ठीक है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ कि झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे, कौन थे झांसी के राजा? गंगाधर राव थे। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद झांसी में निराशा छा गई। यह देखकर डलहौजी मन ही मन मुस्काया, खुश हुआ कि अब उसे झांसी को हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। ठीक है, उसे झांसी को हड़पने का मौका मिल गया। डलहौजी के मन में बहुत ही खुशी आ गई कि अब तो झांसी का राजा गंगाधर राव मर गया है, अब मैं क्या करूँगा, उसके राज्य को हड़प लूँगा। ठीक है, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। क्या हुआ कि उसने शीघ्र ही क्या हुआ कि अपना फौज भेजकर किले पर अपना उत्तराधिकार कर लिया, कि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेज क्या हुआ, उत्तराधिकारी बनकर झांसी में आ गए। अपनी प्यारी झांसी को बर्बाद होते देख कर रानी की आंखों में आंसू आ गए। देखो, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। ठीक है, अपनी झांसी को क्या हुआ कि ऐसे दूसरे के हाथों में जाता देखकर रानी क्या हुआ कि एकदम आंसुओं में डूब गई, बहुत ही दुखी हो गई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सेकेंड लाइन देखो, यहाँ से फिर से बताते हैं। देखो, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई का कोई संतान नहीं था, तो जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी या फिर अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको क्या करेगा, वह अपने राज्य में मिला लेगा। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि जैसे गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपना झंडा वहाँ पर लहरा दिया और तुरंत बहुत सारे क्या किया ये फौजों को भेजकर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अपनी प्यारी झांसी को ऐसे बर्बाद होता देख, दूसरे के हाथों में जाता देख क्या हुआ कि लक्ष्मीबाई को बहुत ही दुख हो रहा था। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कई बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, है ना, कि बुंदेलखंड के कौन सा जाती है, बुंदेलखंड की हरबोला जाति की जो वीर गाथाएँ गाती है, उसी से पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर थी, मर्दों की तरह लड़ाई करके प्राप्त हुई थी। ठीक।
ये देखो, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्राह्मण ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब देखो नेक्स्ट इसका क्या मतलब है, अंग्रेजों ने क्या किया, राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। दिल्ली राजधानी, छिनी राजधानी दिल्ली की, पता अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली के राजधानी पे क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। लिया लखनऊ बातों बातों में, और उसने क्या हुआ कि शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, लखनऊ पर भी अधिकार जमा लिया, ठीक है। उसके बाद कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात, और क्या क्या था कि उसने नागपुर पर भी हमला बोल दिया, और अंग्रेजों ने क्या किया कि उदयपुर, फिर जैसे तंजौर सतारा, यहाँ जिसका इसका नाम दिया गया ना, तंजौर सतारा कर्नाटक, ये सभी राज्यों को भी क्या किया कि उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तब क्या हुआ कि जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हुआ वज्रपात, जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया था, क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, और मतलब और भी जो राज्य बचे थे जैसे कि मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, उसकी भी यही कहानी थी, सबको अंग्रेजों ने क्या किया था, धोखेबाजी से हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया था, क्या। फिर बुंदेले हर बोलो के तुमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। फिर वही वाक्य आ जाएगा बार बार, क्या वाक्य आएगा कि बुंदेलखंड के हरबोला जाति की जो वीर गाथाएँ गाती है उसी से पता चला कि रानी लक्ष्मी भाई कितनी बहादुर थी, मर्दानों की तरह लड़कर वीरगति को प्राप्त हुई थी, क्या। अब नेक्स्ट देखो, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंज आसमानों में, ठीक है, हुआ दव आसमानों में, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो इसकी अब हम लोग जो इसकी गाथा छोड़ देते हैं, मतलब किस राज्य को उन्होंने हड़प लिया किसको नहीं, इसको छोड़ो, अभी हम लोग उस लड़ाई के मैदान में जाते हैं जहाँ झांसी की लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लक्ष्मीबाई रण क्षेत्र में क्या हुआ कि पुरुषों का वेश धारण करके क्या हुआ, लड़ाई करने के लिए आगे आती है, ठीक है। वहीं पर तभी वहाँ पर वॉकर नाम का एक अंग्रेज आ जाता है, जिसे देख कर ऐसा लगता है कि असमान लोगों में युद्ध हो रहा है, क्योंकि जो वॉकर था वो बहुत मजबूत था, बहुत ही युद्ध गति में निपुण था, तो ऐसा लग रहा था कि दो असमान लोगों में युद्ध हो रहा है। फिर क्या हुआ कि लेकिन वॉकर जल्द ही क्या हुआ, घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। उसी ऐसे मुकाबले की बिल्कुल आशा नहीं थी, वो तो ऐसा सोच रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को वो तुरंत मार देगा और वो वापस चले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मीबाई तो बहुत वीर थी और उसने वॉकर को जल्द ही मारकर घायल कर दिया और वो वापस चला गया, ठीक है। अब इससे आगे का बेटा हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग का जूम लेक्चर में तो मैं उतना कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, तो जो जूम लेक्चर में जाएगा वही वीडियो जाएगा, तो आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। आज हम लोगों ने एक पैरा दो पैरा पढ़ लिया है, अगले बार क्या करेंगे, अगले वीडियो हम लोग तीसरा पैरा पढ़ेंगे और इसका थोड़ा ग्रामर भी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी मैं रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।